सबको बता दूं कि मोदी सरकार में वाकई विकास हुआ है। कैसे विकास हुआ है? मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ में अत्याचार हुआ है, पूरे देश में मागासवरियों के साथ में अत्याचार हुआ है। मणिपुर की इतनी घटना होने के बावजूद भी हमारे पीएम को समय नहीं मिला कि वहाँ पर जा सके। उसके बाद में हमारे हॉस्पिटल में पिछले साल 9 बच्चे, छोटे बच्चे जल के मर गए। बहुत बड़ा विकास हुआ है। आज भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अत्याधुनिक हॉस्पिटल बन सके। बहुत विकास हुआ है। मैं मच्छीमार समाज से आता हूँ, हमारे मच्छीमारों की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है, तो ये बहुत विकास हुआ है। ऐसी कई घटनाएं चल रही है। अपने जो मेन मंत्री है, उनके जो सीए है या प्रमुख लोग हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा आने वाले समय में। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसको बदलने की ज़रूरत है। कई जगहों पर तो ऐसी घटनाएँ हुई है कि सवर्ण समाज के लोग जो है संविधान को जलाते हुए हमको दिखे हैं। तो आने वाले समय में अगर आपको जिसके संविधान के भरोसे हम जिंदा है उसी संविधान को जलाने की भाषा कर रहे हैं। और ये समय हम जैसे बहुजन मागास वर्गीयों के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है। आने वाले समय में इस सामंतवादी सरकार, इस हिटलरवादी सरकार को, ब्राह्मणवादी सरकार को उखाड़ने का समय आ गया है और जल्द ही ये होकर रहेगा।